स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में पीडीएफ भेजा था। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में बेसिक प्रोसेस क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और कंपनी ये जानना चाहती है कि भाई प्रत्येक डिपार्टमेंट का सेपरेटली परफॉर्मेंस कैसा रहा है, मीन्स कौन सा डिपार्टमेंट लाभदायक है, कौन सा डिपार्टमेंट लाभदायक नहीं है। तो उसके लिए डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में जो सब्सिडरी बुक्स होती है, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इन सबको डिपार्टमेंट वाइज बना दिया जाता है। जैसे परचेज बुक में मान लीजिए कंपनी में तीन डिपार्टमेंट है, एक्स, वाई और जेड, तो अमाउंट के तीन कॉलम बना दिए जाते हैं और एक कॉलम टोटल का बना दिया जाता है, जिससे कि एक्स, वाई और जेड की सेपरेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाए। अब इसके बाद में क्या किया जाता है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में प्रत्येक डिपार्टमेंट का सेपरेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से प्रत्येक डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी सेपरेटली ज्ञात होती है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि इससे हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ज्ञात होती है। इससे कंपनी